हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ambitiousbaba.com। वी आर बैक विद आर डेली करंट अफेयर्स। तो चलिए जानते हैं 18 अगस्त के करंट अफेयर्स क्या है। और अगर आपने हमारा वीकली रिवीजन करंट अफेयर्स क्लास मिस किया है तो ऊपर आई बटन में आप उसे चेक कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। पहला सवाल, इनमें से किस राज्य सरकार ने हाल ही में येलो चेन नाम का एक सेंट्रलाइज्ड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए, द आंसर इज बी नागालैंड। नागालैंड की सरकार ने येलो चेन नाम का हाल ही में एक सेंट्रलाइज्ड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो चलिए बात कर लेते हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स एग्जैक्टली होते क्या हैं। सबसे फेमस एग्जांपल एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का है अमेज़न, जिसमें जो लोकल बिजनेसेस और एंटरप्रेन्योर्स हैं वो खुद को रजिस्टर करते हैं और अपने जो प्रोडक्ट्स हैं वो सेल कर सकते हैं वो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। और इससे जो उनका कस्टमर बेस है वो एक्सपैंड होता है और उनकी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बूस्ट होती हैं। और इसके अलावा 1 अगस्त 2020 को नागालैंड ने बाकी 3 राज्यों के साथ खुद को इंटीग्रेट किया था हमारे वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम के साथ। और अब कुल मिलाकर एज ऑफ 1 अगस्त 2020 24 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ने खुद को इंटीग्रेट किया है इस स्कीम के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं इसके एक्सप्लेनेशंस की तरफ। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि नागालैंड की सरकार ने एक सेंट्रलाइज्ड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जिसका नाम है येलो चेन लॉन्च किया है 15 अगस्त को, यानी कि इंडिपेंडेंस डे के ईव पे लॉन्च किया गया है 15 अगस्त 2020। और ये लॉन्च किया गया है नागालैंड के चीफ मिनिस्टर निफ्यू रियो द्वारा, जिसके तहत जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि हमारा जो लोकल बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप है उसे प्रमोट किया जाएगा। तो चलिए नागालैंड के बारे में बात कर लेते हैं। नागालैंड का कैपिटल है कोहिमा, उनके मुख्यमंत्री का नाम है निफ्यू रियो और उनके गवर्नर का नाम है आरएन रवि। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा सवाल, इनमें से किस शहर में स्वच्छ भारत मिशन अकेडमी लॉन्च की गई है हमारे जल शक्ति मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा। 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए, द आंसर इज बी न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में लॉन्च किया गया है स्वच्छ भारत मिशन अकेडमी। तो चलिए डिटेल्स जान लेते हैं। तो जैसे कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि हमारे जल शक्ति मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत ने लॉन्च किया है SBM अकेडमी, यानी कि स्वच्छ भारत मिशन अकेडमी इन न्यू दिल्ली। ये जो हमारा कैंपेन है गंदगी मुक्त भारत का, बिहेवियर चेंज कैंपेन है, उसी का ये हिस्सा है। जैसा कि आप जानते हैं कि 2014 में हमारे प्रधानमंत्री लेकर आए थे स्वच्छ भारत मिशन, जिसके तहत जो खुले में शौच किया जाता है उसको रोका जाएगा। और उसके तहत उन्होंने कई सारे कम्युनिटी टॉयलेट्स बनवाए थे, लोगों में जागरूकता फैलाई थी कि खुले में शौच करना उनके हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो सकता है। और इसीलिए ये अकेडमी लॉन्च की गई है, इसमें ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जाएंगी। ये एक फ़ोन बेस्ड एकेडमी है जो फ्री ऑफ चार्ज ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी और इसमें हाई क्वालिटी और स्टैंडर्डाइज कंटेंट के कोर्सेज भी हैं। ये एक IVR बेस्ड ट्रेनिंग कोर्स है, यानी कि इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स बेस्ड ट्रेनिंग कोर्स है, जिसमें कई सारी मॉड्यूल्स रहेंगे कि खुले में शौच करने के बारे में, जो कि है उनका ओपन डिफिकेशन फ्री प्लस प्रोग्राम्स। और इसके अलावा 60 मिनट यानी कि 1 घंटे के मॉड्यूल्स रहेंगे जिसमें कई सारे टॉपिक्स कवर किए जाएंगे ओपन डिफिकेशन फ्री और SLWM के बारे में। SLWM मतलब होता है सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, और अभी जो इनका कंटेंट है वो है हिंदी में। तो इससे काफ़ी लोगों को नॉलेज मिलेगी जो कि है स्वच्छ ग्रहीज, ये कॉमन लोग नहीं कर सकते, जो स्वच्छग्रहीज हैं जो डील करते हैं इन सब इश्यूज़ के साथ, यानी कि ओपन डेफिकेशन फ्री और सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, उनके लिए ये ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। इसके तहत उन्हें नए तरीका पता चलेगा कि कैसे वो इन इश्यूज़ के साथ डील कर सकते हैं, उनका जो काम है वो काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव हो जाएगा और उन्हें बहुत ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड होगी।
इसके साथ जिन लोगों के साथ वो डील कर रहे हैं उनके बारे में, उनका बिहेवियरल रिस्पॉन्स वगैरह चेंज करने का भी उन्हें मौका मिलेगा। वो नॉलेज फैला सकते हैं, लोगों में जागरूकता फैला सकते हैं और उन्हें कंटिन्यूसली अर्ज कर सकते हैं कि उनकी यहाँ जो कम्युनिटी बेस्ड टॉयलेट्स वगैरह है वो उनका यूज़ करें और खुले में शौच नहीं करें। तो चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा सवाल, सर्वोच्च न्यायालय ने इनमें से किस एक्ट के तहत इस जजमेंट को अपहेल्ड किया है कि लड़कियों का अब प्रॉपर्टी पर बराबरी का हिस्सा होगा? पांच ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए, द आंसर इज ई, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 को उन्होंने उनका जजमेंट अपहेल्ड किया है। तो चलिए डिटेल्स जान लेते हैं। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि लड़कियों का भी अब को पार्सेंसरी राइट्स होगा, यानी कि बराबरी का हिस्सा होगा अपने माँ बाप की प्रॉपर्टी पर उनकी मृत्यु के बाद। और इसके तहत जो हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट आया है 2005 में, उसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा। ये डिसीजन लिया गया था बाई जस्टिस अरुण मिश्रा कि उन्होंने यही कहा था कि लड़कियों का अब इक्वल प्रॉपर्टी राइट्स होगा अपने माता पिता के प्रॉपर्टी पर, और उन्होंने जो हिंदू सक्सेशन एक्ट था 2005 का उसे अमेंड किया है, मतलब सॉरी उसके जो अमेंडमेंट को अपहेल्ड किया है। और इसमें उन्होंने ऑलरेडी कहा है कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट्स होगा, पहले लड़कियों को हिस्सा नहीं मिलता था, अगर उनके जो माता पिता है वो विल वगैरह छोड़ के जाते थे तभी नॉर्मली हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत उन्हें हिस्सा मिलता था, बट अब अगर माता पिता का देहांत हो जाता है और कोई भी विल वगैरह नहीं है तो कोई भी प्रॉपर्टी के इक्वल शेयर्स होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा सवाल, इनमें से किस देश ने हाल ही में 3 मिलियन पाउंड का इनोवेटिव चैलेंज फंड लॉन्च किया है भारत में, जिसके तहत वो साइंटिस्ट को सपोर्ट करेंगे, चाहे हो इन द फील्ड ऑफ एकेडमी या फिर इंडस्ट्री, और COVID-19 पैंडेमिक से लड़ने के लिए और क्लाइमेट को प्रोटेक्ट करने के लिए? पांच ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए, द आंसर इज डी, यूके यानी कि ब्रिटेन। यूनाइटेड किंगडम ने हाल ही में एक 3 मिलियन पाउंड का इनोवेटिव चैलेंज फंड भारत में क्रिएट किया है। तो चलिए डिटेल्स जान लेते हैं। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि यूके गवर्नमेंट ने 3 मिलियन पाउंड का एक इनोवेशन चैलेंज फंड क्रिएट किया है भारत में, जिसके तहत जो हमारे साइंटिस्ट हैं उनको वो सपोर्ट करेंगे इन एकेडमिक्स एंड इंडस्ट्री, ताकि वो COVID-19 पैंडेमिक से लड़ सके और जो हमारा क्लाइमेट चेंज है उसको रोक सके। जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ी दो ही प्रॉब्लम्स अभी, पहला है COVID-19 जिसने पूरी दुनिया को क्रिपल कर रखा है, और दूसरा है क्लाइमेट चेंज यानी कि जो हमारा पर्यावरण है जिसको हम बहुत तेज़ी से बर्बादी की ओर लेके जा रहे हैं, तो उसको भी कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसके लिए उन्होंने अलग अलग जो टेक इनोवेटर्स यानी कि टेक्नोलॉजिकल इनोवेटर्स है जो कि कनेक्शन रखते हैं टू दी AI डेटा क्लस्टर इन कर्नाटका, AI यानी कि आर्टिफिशियल डेटा क्लस्टर इन कर्नाटका, और दूसरा जो कि है फ्यूचर मोबिलिटी क्लस्टर इन महाराष्ट्र, इनको उन्होंने इनवाइट किया है कि वो अपना जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रपोजल्स है कि COVID-19 से हम कैसे सही मायने में लड़ सकें और एक हमारा जो ग्रीनर प्लानट है उसको कैसे प्रमोट कर सके, इसके लिए उन्होंने उन्हें अर्ज किया है कि आप अपना रिसर्च और डेवलपमेंट प्रपोजल्स हमें सबमिट करें। और इसकी लास्ट एंट्री डेट है 31 अगस्त 2020। इसके बाद जो उनकी रिसर्च हुई है ओवर द इयर्स उससे डेटा लिया जाएगा और उसमें जो भी सबसे अच्छा उन्हें उनका रिसर्च मिलेगा कि इस पर काम किया जा सकता है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं अब यूके गवर्नमेंट के बारे में। यूके के प्रधानमंत्री का नाम है बोरिस जॉनसन, यूके का कैपिटल है लंदन और यूके की करेंसी है पाउंड। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पांचवा सवाल, इनमें से किस संगठन ने हाल ही में 1 मिलियन यूरो प्रोजेक्ट जिसका नाम है निर्माणश्री लॉन्च किया है? महाराष्ट्र
और उड़ीसा में जिसके तहत वो महिलाओं को स्किल करेंगे हाउसिंग सेक्टर में। पांच ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन ने हाल ही में 1 मिलियन यूरो प्रोजेक्ट जिसका नाम है निर्माण श्री लॉन्च किया है महाराष्ट्र और उड़ीसा में। चलिए डिटेल्स जान लेते हैं। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि यूरोपियन यूनियन ने हाल ही में 1 मिलियन यूरो का प्रोजेक्ट महाराष्ट्र और उड़ीसा के 4 जिलों में लॉन्च किया है। इसके तहत जो भी महिलाएं हैं उन्हें स्किल्स प्रोवाइड, मतलब उनकी ट्रेनिंग दी जाएगी। शुरुआती दौर में 3,000 महिलाओं को उन्होंने चुना है जिन्हें वो ट्रेनिंग देंगी और उनकी स्किल्स को अपग्रेड करेंगी अफोर्डेबल और सस्टेनेबल हाउसिंग बनाने के लिए। जैसा कि आपने नॉर्मली देखा होगा कि इसमें नॉर्मली लड़के काम करते हैं घर वगैरह बनाने में, चाहे वो मेसनरी का काम हो या फिर प्लम्बिंग का काम हो या इलेक्ट्रिकल फिटिंग का काम हो, तो ये सब नॉर्मली कौशल लड़कों को सिखाए जाते हैं। और इसीलिए यूरोपियन यूनियन ने वुमेन को एम्पावरमेंट करने के लिए 1 मिलियन यूरो निवेश किया है। तो ये प्रोजेक्ट किया जाएगा बीद और ओसामाबाद के ज़िलों में जो कि है महाराष्ट्र में, और धेनकनाल एंड जशपुर के ज़िलों में जो कि है उड़ीसा में। और इससे उनका मानना है कि पॉजिटिवली 2 लाख फैमिलीज़ को इम्पैक्ट किया जाएगा अगले 3 वर्षों में। तो हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि 3,000 जो वुमेन लेड हाउसहोल्ड्स हैं उन्हें चुना जाएगा और उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। इन 4 जिलों की जो ये महिलाएं हैं इन्हें ट्रेनिंग दी जाएंगी ताकि वो मेसनरी, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल फिटिंग, वाटर रिलेटेड काम ये सब कर सके जो नॉर्मली एक सस्टेनेबल घर बनाने में यूज़ आता है, ताकि वो अपनी ज़िंदगी को फर्दर इम्प्रूव कर सके। बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। शक्तिकांता दास द्वारा हेड की गई आरबीआई की सेंट्रल बोर्ड ने कितना डिविडेंड अप्रूव किया है टू सेंट्रल गवर्नमेंट। 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ई 57,128 करोड़ रुपए की उन्होंने मंजूरी दी है टू बी पेएबल एज डिविडेंड टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो चलिए डिटेल्स जान लेते हैं। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 13 अगस्त को अप्रूव किया है 57,128 करोड़ रुपए एज डिविडेंड टू दी गवर्नमेंट। और ये डिसीजन लिया गया था जब सेंट्रल बोर्ड आरबीआई की सेंट्रल बोर्ड की मीटिंग हुई थी 13 अगस्त को, और इस मीटिंग के अध्यक्ष थे आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांता दास। और इसके अलावा जो आरबीआई का बोर्ड है उन्होंने डिसाइड किया है कि वो कंटिंजेंसी रिस्क बफर मेंटेन करेंगे एट 5.5%। इस साल जो उन्होंने डिविडेंड ट्रांसफर किया है वो बिल्कुल आधा है एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर। 2019 में लगभग 1.76 लाख करोड़ का प्रॉफिट हुआ था आरबीआई का, और जिसमें उन्होंने 1.23 लाख करोड़ रुपीस ट्रांसफ़र किए थे सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में। बट इस साल ड्यू टू कांस्टेंट लॉकडाउन जो इम्पोज हुआ है भारत में लगभग 2-2.5 महीनों का, उसमें जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन कर गई है, और इसीलिए उन्होंने सिर्फ अप्रूव किया है डिविडेंड 57,128 करोड़ का। इसके अलावा आरबीआई का जो फाइनेंशियल ईयर होता है फॉर दी गवर्नमेंट वो होता है फ्रॉम जुलाई टू जून। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि जो लेटेस्ट कमेटी है उनके अध्यक्ष कौन कौन है। तो एनालिसिस ऑफ क्यूआर कोड के अध्यक्ष है प्रोफेसर दीपक बी फाटक। नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के अध्यक्ष है प्रोफेसर आर नारायण स्वामी। सेबी की रेजिस एडवाइजरी की अध्यक्ष है उषा थोरट। नेशनल लेवल कमिटी फॉर रिफॉर्म एंड क्रिमिनल लॉ के अध्यक्ष रणबीर सिंह। कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए श्योरिटी बॉन्ड ऑफर करने का जो पॉसिबिलिटी है उसको एग्जामिन जो करेगी कमेटी उसकी अध्यक्ष जी श्रीनिवासन। लोन रिस्ट्रक्चरिंग का जो पैरामीटर सेट करेगी कमेटी उसके अध्यक्ष के वी कामत। और कमिटी ऑन बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग के अध्यक्ष राजेश वर्मा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
सातवां सवाल, इनमें से किस बैंक ने हाल ही में डिजिटल अपनाए कैंपेन लॉन्च किया है जिसकी तरह वो डिजिटल बैंकिंग को एनकरेज करेंगे। पांच ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक ने हाल ही में डिजिटल अपनाए कैंपेन लॉन्च किया है। तो चलिए डिटेल जान लेते हैं। 15 अगस्त को यानी कि इंडिपेंडेंस डे पर पंजाब नेशनल बैंक ने डिजिटल बैंकिंग चैनल्स को ज़्यादा यूज़ करने के लिए और अपने कस्टमर्स को एनकरेज करने के लिए डिजिटल अपनाए नाम का कैंपेन शुरू किया है। और इसके तहत जो भी कस्टमर पहली बार कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करेगा और अपना जो रुपए डेबिट कार्ड है उसे एक्टिवेट करेगा, चाहे वो POS यानी कि पॉइंट ऑफ सेल पर यूज़ करें या फिर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट इन सब पे यूज़ करें, तो उसके तहत 5 रुपये ट्रांसफ़र किए जाएंगे टू दी PM केयर्स फंड। तो इससे जो हमारे कस्टमर्स हैं उनको एनकरेज किया जाएगा कि वो डिजिटल बैंकिंग चैनल्स को यूज़ करें। और ये जो स्कीम है ये इफेक्टिव रहेगी टिल 31 मार्च 2021। चलिए बात कर लेते हैं लेटेस्ट कैंपेन्स के बारे में जो लॉन्च की गई हैं। तो इसमें देख सकते हैं आपकी मैक्सिमम कैंपेन्स लॉन्च की गई हैं इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। तो चलिए बात करते हैं, स्पंदन कैंपेन लॉन्च की गई थी छत्तीसगढ़ में। मध्य प्रदेश की सरकार ने 5 कैंपेन्स लॉन्च की है। पहला है चरण पादुका कैंपेन, जिसके तहत उन्होंने जूते और चप्पल प्रोवाइड किए थे हमारे प्रवासी मजदूरों को जो लॉकडाउन के कारण अपने घर को चल कर जा रहे थे। इसके अलावा मध्य प्रदेश की सरकार ने जो भी पब्लिक प्लेसेस में लोग मास्क नहीं पहनते उनके लिए कैंपेन शुरुआत की थी, जिसका नाम है रोको टोको कैंपेन। और इसके लिए उन्होंने ₹20 चार्ज किया था और लोगों को मास्क प्रोवाइड किया था जो पब्लिक प्लेसेस में मास्क नहीं पहनते। इसके अलावा उनका एक कैंपेन था हमारा घर हमारा विद्यालय, जिसके तहत जो बच्चों की पढ़ाई मिस हो रही है ड्यू टू लॉकडाउन और स्कूल्स एंड इंस्टीट्यूशंस बंद हैं, उन बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा इंतज़ार आपका कैंपेन मध्य प्रदेश की सरकार ने लॉन्च किया था, जिसके तहत उन्होंने अर्ज किया था लोगों को कि वो मध्य प्रदेश को विजिट करें। और इसके लिए उन्होंने काफ़ी कन्वीनियंट पैकेजेस बनाए थे। और इसके अलावा उनका जो लेटेस्ट कैंपेन था मध्य प्रदेश का, वो था एक मास्क अनेक जिंदगी। इसमें उन्होंने लोगों को इम्पोर्टेंस बताया था कि एक मास्क और ग्लव्स कैसे उनको खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम COVID-19। इसके अलावा राजस्थान की सरकार ने एक वीक लॉन्ग कैंपेन लॉन्च किया था, जिसका नाम है प्योर फॉर श्योर, जिसके तहत वो कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में से मिल्क के सैंपल्स कलेक्ट करेंगे और उन्हें FSSAI की जो अप्रूव्ड जो फूड लैबोरेटरी है उनमें टेस्ट कराया जाएगा, ताकि जो दूध की प्योरिटी है उसको टेस्ट कराया जा सके। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आठवां सवाल, इनमें से किस कंपनी ने हाल ही में एक सेलर ड्रिवन इतना आसान है कैंपेन लॉन्च किया है। पांच ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी अमेजॉन इंडिया। तो चलिए डिटेल्स जान लेते हैं। तो अमेजॉन इंडिया ने एक सेलर ड्रिवन कैंपेन लॉन्च किया है जिसका नाम है इतना आसान है। इसके तहत वो जो सेलर्स हैं जो अपनी शॉप लोकली या फिर ऑफलाइन सेल करते हैं उनको उन्होंने अर्ज किया है इस कैंपेन के माध्यम से कि वो खुद को अमेजॉन इंडिया की वेबसाइट पर एनरोल कराएं। और इसके लिए उन्होंने जो प्रोसेस है एनरोलमेंट का वो काफ़ी सिंपल और हैसल फ्री किया है, ताकि उनका जो बिजनेस है वो ऑफलाइन से ऑनलाइन शिफ्ट किया जा सके। इसमें जो उनका कस्टमर बेस है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड होगा और उन्हें और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी कि वो जो अपना प्रोडक्ट्स है वो एक लार्जर बेस पर सेल कर सके। और ये जो 3 ad कैंपेन जो उन्होंने लॉन्च किया है, इसको कॉन्सेप्चुलाइज किया गया है लोगों का ध्यान में रखते हुए, कैसे कि वो कम्युनिकेट कर सकते हैं टू एग्जिस्टिंग एंड प्रोस्पेक्टिव सेलर्स जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नहीं है, और उन्हें बता सकते हैं कि कितना आसान है अमेजोन पर कोई भी चीज़ को सेल करना। तो चलिए बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। 9वां सवाल, इनमें से किसे चुना गया है गो एयर के न्यू CEO के रूप में। 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी कौशिक खोना। कौशिक खोना ने चार्ज लिया है एज द न्यू CEO ऑफ गो एयर। तो चलिए डिटेल्स जान लेते हैं।
तो 15 अगस्त को गोएल ने अनाउंस किया है कि उन्होंने चुना है कौशिक खोना को एज इट्स न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और ये निर्णय लिया गया है गोएल के नॉमिनेशंस एंड रेम्यूनरेशन कमिटी द्वारा, और वो रिप्लेस करेंगे विनय दुबे को जिन्होंने फेब्रुवरी में चार्ज लिया था एज ए सीईओ ऑफ गोएल। तो चलिए बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। 10वां सवाल, इनमें से किसे चुना गया है ई मोबिलिटी स्टार्टअप ई बाई गो के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए आंसर इज ई हरभजन सिंह। हरभजन सिंह को चुना गया है एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ई मोबिलिटी स्टार्टअप बाइक जिसका नाम है ई बाइक गो। तो चलिए डिटेल्स जान लेते हैं। अमृतसर में बेस्ड है ई मोबिलिटी स्टार्टअप ई बाइक गो, जिन्होंने अनाउंस किया है कि उन्होंने चुना है हरभजन सिंह भारतीय क्रिकेटर को एज दी ब्रांड एम्बेसडर, और वो ई मोबिलिटी के साथ रहेंगे फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, और जिसके थे जो ई मोबिलिटी कुछ ही शहरों में राइट नाउ ऑपरेबल है, तो नए शहर जैसे कि चेन्नई पुणे में वो अपना बिजनेस एक्सपैंड करेंगे, और इसी के लिए उन्होंने अपॉइंट किया है हरभजन सिंह को एज दी एम्बेसडर ब्रांड एम्बेसडर फॉर 1 ईयर। इससे जो ई मोबिलिटी का जियोग्राफिकल फुटप्रिंट है उसे इंक्रीज किया जाएगा, उन्हें नए नए क्षेत्रों में लॉन्च किया जाएगा, और इसके अलावा जो नए बिजनेसेस वगैरह हैं उनको अपील किया जाएगा कि वो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ऑप्ट करें। इसके साथ साथ ई बाइक गो ऑफर कर रही है कि उनकी जो ई बाइक्स यानी कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स है वो 4,000 रुपये प्रति माह में रेंट किया जा सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इज़ द नेक्स्ट बिग थिंग, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे प्लैनेट को प्रोटेक्ट करने के लिए, बिकॉज हम बहुत ज़्यादा पल्यूट कर रहे हैं। तो इसके लिए अब नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं और अपनी वो लोग कवरेज बढ़ा रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज़ करें। तो चलिए बात कर लेते हैं अलग अलग ब्रांड्स के ब्रांड एम्बेसडर्स के बारे में। पेप्सी के ब्रांड एम्बेसडर है अभिनेता सलमान खान। मास्टर कार्ड के ब्रांड एम्बेसडर है MS धोनी, जिन्होंने हाल ही में 15 अगस्त को अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के एम्बेसडर है विश्वनाथन आनंद, और JSW सीमेंट के ब्रांड एम्बेसडर है सौरभ गांगुली एंड सुनील शेट्टी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 11वां सवाल, निशांत कामत का हाल ही में निधन हो गया, वे कौन थे? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ए डायरेक्टर। डायरेक्टर थे निशांत कामत, जिनका हाल ही में निधन हो गया 50 साल की उम्र में। तो चलिए डिटेल्स जान लेते हैं। तो जैसे कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि डायरेक्टर एक्टर थे निशांत कामत, जिनका 17 अगस्त को हैदराबाद के AIG हॉस्पिटल में निधन हो गया। वो काफ़ी टाइम से लिवर सिरियोसिस से सफ़र कर रहे थे, और उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी वर्ष 2005 में, और उनका जो मराठी मूवी था डोंबिवली फास्ट उसे नेशनल अवार्ड दिया गया था फॉर द बेस्ट फीचर फिल्म इन मराठी। इसके अलावा उन्होंने सिल्वर स्क्रीन में डेब्यू किया था 2004 में विद द हिंदी मूवी जिसका नाम था हवा आने दे। 2008 में उन्होंने अपनी पहली बॉलीवुड फिल्म बनाई थी जिसका नाम था मुंबई मेरी जान, और उन्होंने कई सारी हिंदी फिल्में डायरेक्ट की थी जैसे कि फोर्स, दृश्यम, रॉकी हैंसम एंड मदारी। चलिए विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज क्लास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल एम्बिशियस बाबा को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऑल्सो प्लीज विजिट आवर वेबसाइट test.ambitiousbaba.com, जहाँ पर आपको कई सारे ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिल जाएंगे अलग अलग एग्जाम्स के लिए, चाहे वो बैंकिंग के एग्जाम्स हो, SSC के एग्जाम्स हो, रेलवे हो, जैब हो, कैब हो, पैरल 13.2 हो। इस वेबसाइट पर जाकर आप डायरेक्टली अपना डिजायर्ड मॉक सिलेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद आप उसे परचेज कर सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड हैव अ ग्रेट डे।